पिछली क्लासेस में आपने जाना था कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं और हमने पढ़ लिया था कि प्रमुख क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। आपको जैसा कि बताया प्रमुख क्वांटम संख्याएं जो है वो किसी भी कोश के बारे में हमें जानकारी देगी कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में है। और यदि क्वांटम संख्याओं की बात करें तो क्वांटम संख्याएं क्या प्रदर्शित करती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति यानी कि उसका एड्रेस बताती है। और उसी क्रम में अगली जो क्वांटम संख्या है वो है कौन सी मेरे भाई, द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब यदि द्विगंशी क्वांटम संख्या की बात करें तो उसे हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सर जिस तरह से हमने प्रमुख क्वांटम संख्या को किससे रिप्रेजेंट किया था, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के छोटे एन से उसको रिप्रेजेंट किया था, उसी प्रकार से यहाँ पे इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। सर जो दूसरी वाली क्वांटम संख्या थी यानी प्रमुख जो क्वांटम संख्या थी उसकी खोज किसने की थी, उसकी खोज वैज्ञानिक बोर ने की थी। उसी प्रकार जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है उसकी खोज किसने की है मेरे भाई, सोमरफिल्ड, वैज्ञानिक सोमरफिल्ड, जिनका नाम आप जानते होंगे, पहले भी आपने इनके बारे में देखा था कि बोर की परिकल्पनाओं को इन्होंने विस्तृत किया था, इन्होंने ही अभिकृत किया था। ठीक है जी, यदि हम अगली बात करते हैं तो सर इस क्वांटम संख्या को एक और बहुत प्यारे नाम से जाना जाता है जिसका नाम है क्या, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, यानी कि कोणीय संवेग क्वांटम संख्या इसे ही बोला जाएगा। सर कोणीय संवेग क्वांटम संख्या क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाली क्वांटम संख्या जो उपकोश होता है उसको रिप्रेजेंट करेगी पहली बात तो। अच्छा प्रमुख क्वांटम संख्या की हमने बात की थी तो किस बारे में बात कर रही थी कि सर ये कोश को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा जी उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो अगली क्वांटम संख्या रहेगी वो किस बारे में बताएगी आपको, उपकोश के बारे में। और ये क्वांटम संख्या क्या बताएगी आपको, उपकोश की आकृति क्या होगी। ठीक है जी, यानी कि उपकोश की आकृति या फिर इसे बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रॉन अभ्र की आकृति। अब इसे कोणीय संवेग क्वांटम संख्या क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को भी बताता है, यानी कि क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को भी बताएगा। इसलिए हम क्या करते हैं इस कोणीय इस क्वांटम संख्या को क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। सर जिस प्रकार से प्रमुख क्वांटम संख्या में हम देखते थे कि जो एन का मान था वो कितना था, तो आप बोलेंगे सर 1, 2, 3, 4 और वो चलता जा रहा था कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कोणीय संवेग क्वांटम संख्या की यानी कि L की यदि हम बात करें तो L का मान क्या रहेगा, तो L का मान हमेशा क्या होगा कि N से एक कम होगा, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है जी, अच्छा सर N से एक कम होगा इसका मतलब ये हुआ है कि यदि हमने N यहाँ पे 1 लिया है तो मुझे L कितना लेना पड़ेगा, 1 से एक कम यानी कितना लेना पड़ेगा मेरे भाई, 0 लेना पड़ेगा। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर 0 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। जिस प्रकार से ये n तक जा रही है यानी कि इनफाइनाइट बोल लो या फिर कोई सा भी नंबर n बोल लो, उस प्रकार से ये कहाँ तक जाएगी, ये क्या होगी, प्रमुख क्वांटम संख्याओं से एक कम होगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, ये हो जाएगा n-1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, ये लो। चलो जी, अब यदि बात करें तो L का मान कितना हो जाएगा, जैसा कि आपके सामने दिया हुआ है L बराबर कितना होगा भाई मेरे, 0, 1, 2, 3, 4 और सीधा कहाँ तक जाएगा ये, n-1 तक, यानी कि प्रमुख क्वांटम संख्याओं से एक नंबर कम ये क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है। ठीक है जी, अब यदि हम बात करें तो देखना, जैसे ही मैंने लिखा है यहाँ पे सर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से क्वांटम संख्या लिखी हुई है। अब यदि मैं इन्हें रिप्रेजेंट करूं तो इन्हें रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, मैं 0 को क्या बोल सकता हूं, S बोल सकता हूं, 1 को क्या बोल सकता हूं, P बोल सकता हूं, टू को क्या बोल सकता हूं, D बोल सकता हूं, और 3 को क्या बोल सकता हूं, F, और इसी प्रकार 4 को G बोल सकता हूं। आपको क्या बात याद आ रही है क्या, जब मैंने वहाँ पर एन का मान लिखा था एक, तो मैंने क्या बोला था, वो भी क्या है यहाँ पे, के है। अच्छा जी, ये कितना है मेरे भाई, ये एल है, और इस प्रकार से क्रम आगे बढ़ा था, उसी प्रकार से यहाँ पे क्रम क्या रहेगा, S, P, D, F, G, उसके बाद में H भी आएगा, उस तरह से ये सीधे सीधे चलते रहेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा काम यहाँ तक ही हो जाता है, जितना हमारे सिलेबस में दिया हुआ है हमारा काम सिर्फ यहाँ तक रहेगा, और यदि H की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस H उपकोश को भी लिखेंगे। तो यहाँ पे बात ये आई है कि सर हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था प्रमुख क्वांटम संख्या वो कोश के बारे में प्रदर्शित कर रही थी कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में है, और यहाँ पे यदि इसकी बात करते हैं तो किस बारे में बताएगी हमें कि ये किस उपकोश में रहेगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे इन उपकोशों का क्रम मैंने आपको बता दिया है। अब यदि हम बात करते हैं अगली कि सर यहाँ पे S, P, D, F और G के मायने क्या हैं, इनके सिग्निफिकेंस क्या हैं, तो आप जान लें S का मतलब होता है शार्प। ठीक है जी, P का प्रिंसिपल, इसका कितना रहेगा डिफ्यूज, और ये क्या रहेगा फंडामेंटल। ये एक्चुअली कुछ रिलेटेड टर्म है जो इन्होंने इनको दिया है। ठीक है जी, बढ़े आगे चलो भाई। अब यदि हम बात करते हैं कि सर जिस तरह से आपने बताया था वहाँ पे कि किसी भी कोश में
किसी भी कोष में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपने देखा था कि आपका आंसर आया था कि सर 2n² होते हैं, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ कि सर किसी भी उपकोष में, जब हमने कोष की बात की है तो हम उपकोष के बारे में बात करेंगे, चारों क्वांटम संख्याओं को आप कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ईजी लगने लग जाएगा, क्वांटम संख्या ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो यदि मैं बात करता हूँ सर उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो उनकी संख्या क्या रहेगी मेरे भाई, 2n2 2l+1। सर 2 पता है, 1 पता है, l का मान क्या है, l क्या है जो वहाँ पे दे दिया जाएगा 0 1 2, यानी कि प्रमुख क्वांटम संख्या से एक कम, ठीक है जी। अच्छा यदि मैं बात करता हूँ कि सर बात यदि की जाए s की, तो s के लिए l का मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर s के लिए l का मान कितना होता है भाई मेरे, 0 होता है, पक्की बात है। अच्छा जी यदि मैं s में, यदि मैं s उपकोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालना चाहूँ तो क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे सर s के लिए जो मान रहेगा l का वो कितना रहेगा मेरे भाई, 0 रहेगा। और फॉर्मूला क्या कहता है सर, 2 into 0, अच्छा 0 क्यों आया सर, ये l की वैल्यू है, प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा भाई मेरे, 2 into, ये कितना हुआ 0, प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। तो ऐसा बोला जा सकता है क्या कि सर s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, ठीक है जी। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, s उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अच्छा जी कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं p के बारे में। अच्छा जी p को रिप्रेजेंट करने वाली l की संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे सर 1 है। तो देख लीजिए यदि हम बात करते हैं p की, तो जैसे मैंने p लिखा, तो p के लिए मुझे दिमाग में आ जाना चाहिए सर l बराबर कितना रहेगा, 1 रहेगा। अच्छा जी l बराबर यदि 1 है, तो फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, 2 into 2 into 1 plus 1, अच्छा जी ये कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर 2 तो वैसा का वैसा, 2 plus 1, कितना हो गया यहाँ पे अंदर 3, और ये कितना आ जाएगा, 3 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6 आ जाएगा। क्या आपको यहाँ पे 6 नज़र आ रहा है क्या, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी इसी प्रकार से आप d के लिए निकाल सकते हैं, f के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि f के लिए 3 रहेगा मान। तो देखना भाई यदि f की बात की जाए तो f कैसा रहेगा, f के लिए जो मान रहेगा वो कितना रहेगा, l बराबर 3 रहेगा। तो फॉर्मूला मेरा कितना होएगा, 2 into 2 into 3 plus 1, अच्छा जी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 into 6 plus 1, कितना हो गया भाई मेरे भाई यहाँ पे 7, 7 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा यहाँ पे 14। तो सर यह यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे यदि हम बात करते हैं f की, तो f को कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और इसी प्रकार से d के लिए आप 2 का मान रखो, ठीक है, l का मान 2 रख दो, और वहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। पक्की बात है, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। अच्छा जब हम सर यहाँ पे इन उपकोषों में इलेक्ट्रॉन्स को देखते हों, जब हम यहाँ पे इन उपकोषों में इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, तो आपको एक बात नज़र आ रही होगी क्या कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखना भाई ध्यान से। यदि मैं देखता हूँ सर 2 और 6 के बीच में अंतर देखूँ ना, तो कितना नज़र आ रहा है मुझे, 4 का अंतर नज़र आ रहा है। अच्छा इसी प्रकार से 6 और 4 10 के बीच में देखूँ तो अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और इसी प्रकार से इनके बीच में देखता हूँ तो अंतर कितना आ रहा है मेरे भाई, 4 नज़र आ रहा है। यानी कि ऐसा बोला जा सकता है कि सभी उपकोषों में जो निकटतम उपकोष रहेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पे, अतः एक ही कोष के 2 निकटतम उपकोषों में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या रहेगी उनका अंतर कितना रहेगा मेरे भाई, 4 उनका अंतर रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर है क्या, पक्की बात है, बढ़ जाएं आगे। तो ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं किस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकाली है, और उन संख्याओं में हमने देखा है कि जो पास वाले उपकोष है ना, जस्ट निकटतम वाले, उनके बीच में यानी कि उनके इलेक्ट्रॉनों के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन का अंतर है। पक्की बात है, बढ़ जाएं आगे। चलो जी अच्छा जी ये चीज़ें हमने देख ली है, फिर भी आपको रिवाइज करा दूँ। एस उपकोष में अभी देखा था मैंने कितना आया था मेरा मान, यहाँ पे 2 आया था। अच्छा जी यदि हम बात करते हैं अगले उपकोष की, तो अगला क्या है यहाँ पे, पी उपकोष, उसके लिए मान कितना आ गया मेरे भाई, 6 मान आ गया, और इसके लिए 2 था ही सही। अच्छा जी यदि डी की बात की जाए तो 10 आया था, और एफ की बात करें तो कितना आ गया था, 14 यहाँ पे आ गया था। पक्की बात है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्वों में एक ही कोष के विभिन्न उपकोषों की ऊर्जा एल के मान बढ़ने पर बढ़ती है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे ये अभी समझ में नहीं आया तो ये आपको कब आएगी, जब आपको मैं n प्लस l रूल और ऑफ बाउ सिद्धांत जब पढ़ाऊंगा ना, तब आपको ये वाली बात क्लियर हो जाएगी कि हाइड्रोजन के बारे में ये वाली बात हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हैं यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो वैसे आपको यदि क्रम याद करना है तो आप क्रम याद रखें, ये यहाँ पे ऊर्जा का
क्रम रहेगा एल के मान बढ़ने पर, ठीक है। और ऐसे इसको मैं विस्तृत रूप से जब आपको एन प्लस एल रूल पढ़ाऊंगा वहाँ पर इसको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है जी। बढ़े आगे, चलो जी अब देखते हैं हम यहाँ पर किसी कोश में अधिकतम उपकोशों की संख्या। अब बात थोड़ी सी अलग आ गई कि सर अभी तो आप किसकी बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे थे, लेकिन यदि यहाँ पे बात की जाए कि सर कोश है, कोश के अंदर कितने उपकोश हो सकते हैं, ये कैसे पता चलेगा, तो उसका भी सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है कि एल के मान कितने रहेंगे जितने एन के मान हैं। कैसे, देखो भाई यदि मैं बात करता हूँ कि सर एन बराबर आप कितना ले लो, यहाँ पर नई स्लाइड में कर लेते हैं इसको। यदि मैं यहाँ पर एन बराबर मेरे भाई 1 लेता हूँ, क्यों, क्योंकि n का मान मैं यहाँ पे 0 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि रूल के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है जी। अब यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ कि n बराबर कितना रहेगा मेरे भाई, 1 रहेगा, तो आप देखेंगे कि सर l जो रहेगा ना, l जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर l बराबर कितना होगा, 0 होगा, पक्की बात है। अच्छा जी, n बराबर यदि मैं 2 रखता हूँ तो आप बोलेंगे सर l का जो मान रहेगा ना वो 0 से स्टार्ट रहेगा, और वो कहाँ पर जाके ख़त्म होगा, वो भाई मेरे 1 पे जाकर के ख़त्म हुआ। क्यों, क्योंकि 2 से 1 कम है। अच्छा जी, n का मान यदि मैं 3 रखता हूँ तो कितना आना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर 0, 1, 2 ये आना चाहिए। अच्छा जी, n का मान यदि मैं 4 रखता हूँ तो भाई मेरे कितना आना चाहिए, 0, 1, 2 और 3। क्या 4 लिखूँगा क्या, नहीं लिखना, पाप है। क्यों है, क्योंकि सर आपने पहले ही बता दिया कि जो l का मान रहेगा ना वो क्या रहेगा, n से 1 कम होगा, तो यहाँ पे हम 4 नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ पे हटा सकते हैं, ठीक है जी। चलो जी बढ़े आगे। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे n का मान 1 रखा है तो आप मुझे बताओ कि l के कितने मान मुझे मिल रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर मान तो मुझे 0 मिल रहा है, लेकिन यदि देखा जाए तो मुझे l का एक मान मिल रहा है, ठीक है, तो ये 1 हो गया। अच्छा जी, अब इस चीज़ को देखना, यदि मैं बोलता हूँ यहाँ पर आपसे कि भाई मेरे इसको बताओ, एन बराबर जब मेरा 2 है तो L के कितने मान मिल रहे हैं, तो आप बोलोगे सर L के मुझे 2 ही मान मिल रहे हैं। अच्छा जी, N बराबर जब 3 है तो L के कितने मान मिल रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 3 ही मिल रहे हैं। जब N बराबर 4 है तब भी आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे L के कितने मान मिल रहे हैं, वो भी मुझे 4 मिल रहे हैं। तो क्या ऐसी बात बोल सकते हैं क्या कि सर जितने L के कुल मान होंगे ना वो किसके बराबर होंगे, जितने मेरे पास में N के मान हैं, यानी कि N के मान बराबर L के मान, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, या फिर से बोल सकते हैं आप टेक्निकली इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो भाई अब यहाँ पे यदि बात की जाए तो सर K कोश की बात कर रहा हूँ। अच्छा, K कोश से क्या आप समझते हैं कि सर N बराबर कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए सर N बराबर 1 होगा। अच्छा जी, N बराबर 1 होगा तो यहाँ पे संभावित उपकोशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जैसा कि हमने अभी देख लिया है। ये देखो, ये वही तो है, यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, K है, इसकी बात करूँ तो ये क्या है, L है, इसकी मैं बात करूँ तो ये M है, तो इस तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है जी। आप यहाँ पे देखें कि L के कितने मान मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है। अच्छा, L का मान कितना होगा, सर 0 होगा, देख पा रहे हैं यहाँ पे कि L का कितना मान मिल रहा था मुझे, 0 मिल रहा था। अच्छा जी, यदि हम कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि सर L कोश में N का मान कितना है, तो आप बोलेंगे सर L कोश में N का मान 2 है, L की मुझे 2 वैल्यू मिल रही है, और जिनके नाम क्या होंगे, जिनके मान क्या होंगे, तो आप बोलेंगे सर 0 और 1 उसके मान होंगे क्रमशः, ठीक है जी। अब देखो, अब आपके सामने एक थोड़ी सी समस्या आएगी कि सर जो यहाँ पे उपकोष का नाम देना है ना वो किस तरह से देना है, तो आप इस बात को समझो कैसे। यदि मैं बात करता हूँ कि सर आपने यहाँ पे 2s और 2p लिखा हुआ है, और यही कहानी यहाँ पे 1s लिखा हुआ है, यह आपने नहीं बताया, तो देखो जैसे ही यहाँ पे 1s लिखा हुआ है तो उपकोष का नाम आप किस प्रकार से देंगे, देखना इस चीज़ को देखो। यदि मैं यहाँ पे इसके उपकोष का मान देने वाला हूँ, इसके उपकोष का यदि मैं यहाँ पे नाम देने वाला हूँ, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे कि n का कितना मान है, तो आप बोलेंगे सर n का जो मान है ना वो कितना है, 1 है, तो आप यहाँ पे कितना लिख दो, 1 लिख दो, ठीक है जी। आप कितना लिख दो भाई मेरे, 1 लिख दो। अच्छा, अब मुझे बताओ कि l बराबर 0 है। अच्छा जी, 0 है, 0 0 0 0 में आप बताओ मुझे कि l बराबर यदि 0 है तो मुझे बताओ फटाफट से उसको क्या लिखेंगे, S 1 है तो क्या लिखेंगे, P 2 है तो क्या लिखेंगे, D F के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 के लिए F लिखा जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाओ उसी चीज़ पे वापस से। अच्छा सर, यहाँ पे तो हमने क्या लिख दिया, प्रमुख क्वांटम संख्या, अब यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे L लिख रहा हूँ, यानी कि सर ऐसा बोला जा सकता है क्या कि उपकोष का नाम क्या होगा, हमेशा N L जो रहेगा
वो उपकोष का नाम हो जाएगा। कैसे? देखो n की वैल्यू कितनी थी, 1। अच्छा उपकोष 0 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? सर s से रिप्रेजेंट कर दो, तो s हो जाएगा, 1s हो गया। अच्छा इस वाले के लिए लिखना चाहूँ मैं, यदि मैं l बराबर 0 के लिए उपकोष का नाम लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? सर इसके लिए n बराबर कितना था, तो मैं बोलूँगा सर 2 होता है। और आपको पता है s को 0, p, d, f, और ये क्या होगा भाई मेरे, 1, 2, 3। अच्छा जी आप देखो यहाँ पे, यदि 0 की बात करिए तो 0 किससे रिलेट है, यहाँ पे s से रिलेट है, ये l की वैल्यू है भाई, ध्यान रखना। अच्छा 0 किससे रिलेट है, l से रिलेट है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पे भाई मेरे 0 s से रिलेट है, तो यहाँ पे s हो जाएगा। ठीक है जी। अब यदि इसी प्रकार से मैं 1 की बात करूँ, तो सर पहले तो प्रमुख क्वांटम संख्या n, l, ये वाला रूल आप ध्यान रखें। ठीक है जी, तो n के लिए कितना हो जाएगा भाई मेरे, 2 हो गया। अच्छा 1 के लिए मान कितना रहेगा l का, तो आप बोलेंगे सर l का मान तो 1 रहेगा, लेकिन उसके लिए हम p लिख सकते हैं, तो यहाँ पे p लिख दो, ये आ गया आपका 2p। तो आपने देखा यहाँ पे कि सर जब n बराबर 1 था तो वहाँ पे 1s कक्षक हो रहा था, और यदि हम बात कर रहे थे l की तो वहाँ पे क्या हो रहा था, 2s और 2p। तो क्या ये सही है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो भाई 2s और 2p क्या वही चीज़ लिखी हुई है क्या? अच्छा जी आप देखो, m कोश के लिए n बराबर कितना आ गया था, 3 आ गया था, यानी कि उपकोषों की संभावित संख्या भी कितनी पता कर ली थी हमने, 3। तो L के कितने मान होंगे, 3, कितने, 1, 0, 1 और 2। अब ये वाले नाम कैसे हुए देखना भाई। अच्छा यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, M की बात कर रहे हैं, अब किस पे आ जाओ यहाँ पे कहानी पे, M पे। तो सिर्फ ये वाला रूल याद रखो आप, N, L बस। अच्छा जी यहाँ पे 3 उपकोष बन रहे हैं, इनका नाम किस प्रकार से दूँ, 0 को मैंने पकड़ा, तो आप देखेंगे सर पहले तो N का N कितना है यहाँ पे, 3 है, तो कितना आएगा यहाँ पे भाई, 3 हो गया। अच्छा जी सर 0 जो है ना वो किससे रिलेट कर रहा है, यहाँ पे s से रिलेट कर रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, s हम लिख देंगे। अच्छा जी सर 1 की हम बात करें तो 1 कितना रहेगा, तो आप बोलेंगे सर पहले काम करो 3 तो वैसा का वैसा लिखो, अब यहाँ पे क्या लिख दो, 1 है तो यहाँ पे कितना लिख दो, p। अच्छा 2 के लिए क्या करोगे, तो सर आप बोलोगे सर 3 तो वैसा का वैसा आएगा, ठीक है, प्रमुख क्वांटम संख्या सेम तो होगी ना, वो चेंज तो होने से रही। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 के लिए देखो कितना लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, तो कितना आ जाएगा, 3D। क्या ये सही है क्या, एक बार देख लो, 3S, 3P और क्या है यहाँ पे, 3D। तो क्या हमारा आंसर यही आया था क्या, पक्की बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अच्छा इसके बारे में बात कर लेते हैं, सर यदि हम बात करें यहाँ पे 3 की, ठीक है जी, तो प्रमुख क्वांटम संख्या कितनी है, 4, तो सबसे पहले 4 लिखो। अब यदि L का जो मान है वो कितना है भाई, यहाँ पे 3 है, तो 3 के लिए हम क्या देखते हैं यहाँ पे, F देखते हैं, तो F हो जाएगा। अच्छा जी 2 के लिए देखो भाई, प्रमुख क्वांटम संख्या 4 हो गई, 2 के लिए हम क्या बोलते हैं भाई मेरे, D बोलते हैं, D बोल दो। अच्छा जी 1 की हम बात करते हैं, तो कितना आएगा भाई, प्रमुख क्वांटम संख्या 4 हो गई, और यहाँ पे 1 को क्या बोला जाएगा, P बोला जाएगा। अच्छा जी यदि हम बात करते हैं 0 की, तो प्रमुख क्वांटम संख्या कितनी है, 4 है, और यदि हम बात करें यहाँ पे 0 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है मेरा, S, तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा भाई मेरे, S लिख दिया जाएगा। तो क्या इतनी कहानी आपको समझ में आती है क्या, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा, जो आपको थोड़ा सा आसानी रहे बाद में नोट्स बनाने के लिए, ठीक है जी। और यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे अब मैं बात करूँ, यदि L की यदि आगे बात करता हूँ, ठीक है, L, M, N की यदि बात करता हूँ, तो N में आपके जो नाम रहेंगे उपकोषों के वो इसी प्रकार से रहेंगे, 4F, 4D, 4P और 4S यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, इतनी आती बात समझ में, बड़े आगे चलो जी। अब ये वाली चीज़ देखना, यदि इन उपकोषों की आकृति के बारे में बात की जाए, तो वैसे तो मैं आकृति आगे पूरी आपको पढ़ाऊंगा कक्षकों की आकृतियां क्या होती है, लेकिन उपकोष की आकृति जो होगी वो आप यहाँ पे देख लीजिए। एस उपकोष जो रहता है वो किस आकृति का होता है, वो मेरे भाई गोलाकार आकृति का रहेगा। अच्छा जी यदि हम बात करते हैं अगले उपकोष की, तो अगला उपकोष कौन सा है, पी, तो पी किस आकृति का रहेगा, डंबल आकृति। डी किस आकृति का रहेगा, द्विडंबल। और एफ की थोड़ी सी क्या होती है, जटिल संरचना होती है, ठीक है, जिसको 2D में रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट यहाँ पे संरचना बनेगी और उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है जी। अब ये वाली चीज़ हमने देख ली थी कि S उपकोष, हाँ ये वाली चीज़ देखना, S उपकोष प्रथम कोष से ही प्रारंभ हो जाता है। S उपकोष क्या करेगा, प्रथम कोष से प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा जी आप ऐसे याद रखो, S, P, D, F। अच्छा जी S की यदि हम बात करते हैं, तो S कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर S प्रथम कोष से ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट कोष से ही स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेल। अच्छा जी इसको शेल भी बोला जाता है, कोष को आप ध्यान रखें,
क्या बोला जाएगा इसको, शेल बोला जाएगा। अच्छा जी, यदि हम बात करें सर पी की, तो पी उपकोष कहाँ से होगा मेरे भाई, द्वितीय, यानी कि ये कहाँ से हो जाएगा मेरे भाई, सेकेंड। यदि हम डी की बात करें तो ये थर्ड से स्टार्ट होगा, और इसकी यदि हम बात करें तो ये क्या होगा मेरे भाई, फोर्थ से स्टार्ट होगा। ये चारों पॉइंट आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी कि ये क्या होगा, एफ जो रहेगा वह चतुर्थ कोश से, और यदि डी की बात करें तो वो कहाँ से आएगा मेरे भाई, तृतीय कोश, यानी कि थर्ड यहाँ पे शेल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो ये वाली चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यदि एल का मान एन के तुल्य हो तो एन के मान से अधिक हो तो ऐसा उपकोश संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सर एल का जो मान रहेगा हमेशा क्या होगा, एन से कमी आने वाला है, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, 1p 2d 3f 4g 5h उपकोश संभव नहीं है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों चीज़ें जो है ना वो एक ही है। कैसे, अच्छा जी यहाँ पे बात कर रहा है सर 1p 2d 3f 4g 5h। आप यहाँ पे देखेंगे, जब आप यहाँ पे देखेंगे कि सर जब आपने n बराबर कितना लिखा था, जीरो लिखा था। अच्छा जी, जब आपने सॉरी n बराबर जब आपने 1 लिखा था तो आपका कितना आ रहा था, ओनली 1s आएगा। ठीक है, अच्छा जब आपने n बराबर 2 लिखा था ना, तब जाकर के कौन आया था, p आया था। और जब आपने n बराबर 3 लिखा था, तब जाकर के क्या आया था, यहाँ पे d आया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जब ये सब इस बारे में बात कर रहे हैं, तो सर पी तो कब स्टार्ट होता है, जब प्रमुख क्वांटम संख्या का मान कितना हो जाता है भाई मेरे, 2 हो जाता है। हाँ, अच्छा जी, डी कब आता है, जब सर 3 स्टार्ट होता है, तो 2 का तो मतलब ही नहीं है, यानी कि जो आगे क्वांटम संख्या है ना वो यहाँ पे शायद गलत दे रखी है। ठीक है, ये कितना होना चाहिए, 3d यदि होता है तो ये पॉसिबल होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने देख लिया यहाँ पे कि डी जो है वो तृतीय कोश से स्टार्ट होगा, और जो F रहेगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, चतुर्थ कोश से स्टार्ट होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि इनमें से कौन सा जो उपकोश है वो संभव नहीं है, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप यहाँ पे जो क्वांटम संख्याएं हैं, यानी कि प्रमुख क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्याओं की जानकारी रख पाएंगे। ठीक है जी, तो द्विगंशी क्वांटम संख्या में इतना ही था, अगली क्लास में हम बात करेंगे अगली क्वांटम संख्या, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। ठीक है जी, तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में, धन्यवाद।